साईं की बात। बच्चे, आज मैं तुमसे मिलूंगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुमसे मिलने आ रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे थे ना, तुम मुझे पुकार रहे हो कि बाबा आ जाओ, मुझसे मिलने आ जाओ। तो सुनो, आ रहा हूँ मैं तुमसे मिलने आज, और मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा प्रत्यक्ष रूप से। पहचान सको तो अपने बाबा को पहचान लेना, तुम्हारा बाबा आ रहा है तुमसे मिलने आज। बहुत मन है ना तुम्हारा मुझे देखने का, मुझे स्पर्श करने का। आज तुम्हें मौका दूंगा कि तुम मुझे स्पर्श कर पाओगे, ठीक है? तुम्हारी बात मान ली मैंने। तुम बहुत दिनों से कह रहे थे ना कि बाबा मुझे स्पर्श करना है आपको, तो ठीक है मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और सुनो, आज गुरुवार है, और गुरुवार वाले दिन तुम एक बहुत विशेष चीज़ें करते हो मेरे लिए, जैसे कि तुम्हारे लिए वो त्यौहार ही हो जाता है। गुरुवार तुम्हारे लिए एक त्यौहार से कम नहीं है मेरे बच्चे। हर गुरुवार को तुम ऐसा मनाते हो जैसे कि तुम्हारे लिए एक त्यौहार है, एक विशेष दिन है तुम्हारे लिए। तुम कोई भी कामना गुरुवार वाले दिन ही करना चाहते हो, तुम्हें शुभ लगता है ना, और मेरा आशीर्वाद भी है तुम्हारे साथ। और सुनो, आज मंदिर ज़रूर आना मेरे बच्चे। आज ना मैं तुम्हें मंदिर भी बुलाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि घर बैठे बैठे तुम आज मेरी प्रार्थना या पूजा करोगे, नहीं, आज तुम्हें मंदिर आना होगा। आज मैं तुमसे ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ तुम्हें कि आज तुम्हें मंदिर आना ही होगा। बहुत दिन हो गए तुम इधर उधर व्यस्त रहते हो, मंदिर नहीं आ पाते, लेकिन आज मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम्हें आज मंदिर आना ही होगा। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, चाहे कैसे भी आओ, लेकिन आओ। और अगर आने की ठान लोगे ना, तो मैं सारा सब कुछ इंतज़ाम करवा दूंगा। बस तुम आओ तो सही मेरे बच्चे, आओगे मुझे अच्छा लगेगा। और आओ ना, थोड़ी देर मेरे पास बैठना, मुझसे बातें करना। आज मैं तुमसे बातें भी करूँगा, आज मैं वहाँ विराजित भी रहूँगा। जब तुम मंदिर आओगे ना, तो मैं वहाँ विराजित रहूँगा मेरे बच्चे। तुम आना, आज ज़रूर ज़रूर आना मेरे बच्चे। और सुनो, आज ना मैं तुम्हें एक सेवा देने जा रहा हूँ, और वो सेवा एक अलग सी सेवा होगी। आज आज तुम्हें किसी की मदद करनी होगी। कोई आएगा तुम्हारे पास आज मदद मांगने, और उसकी मदद तुम्हें करनी होगी मेरे बच्चे, ये समझ कर कि तुम्हारे बाबा ने तुमसे कहा है कि उस बच्चे की मदद करनी है, क्योंकि वो बच्चा मेरे तक पुकार लेकर आया है। उसकी पुकार खाली नहीं जानी चाहिए, उसकी प्रार्थना खाली नहीं जानी चाहिए। और तुम वो मेरे बच्चे हो, तुम मेरे वो माध्यम हो कि तुम उसकी सेवा आज करोगे, और उसका फल तुम्हें मैं दूंगा, आशीर्वाद मैं दूंगा तुम्हें। और मेरे कुछ बच्चों ने आज व्रत रखा था, लेकिन किसी कारण उनका व्रत जो है वो खंडित हो गया। तो सुनो मेरी बात को, परेशान मत हो, तुम्हारा व्रत खंडित नहीं हुआ है मेरे बच्चे। तुमने जो गलती से कर लिया, जो भूल चुक हो गई तुमसे, वो गलती हो गई, कोई बात नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा तुमसे। हाँ, अगर तुमसे भूल चुक में कुछ हुआ है, कुछ गलती हुई है, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मुझसे माफ़ी मांग लो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारा आखिर बाबा ही हूँ मैं, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ मैं कि अगर तुमसे गलती हो गई तो तुम्हें सजा दूंगा। नहीं मेरे बच्चे, अगर भूल चुक में गलती हो गई तो आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी बातों का, तुम्हारी चीज़ों का कभी बुरा नहीं मानता। तुम मुझे कभी कभी गुस्सा कर लेते हो, कभी नाराज़ हो जाते हो, कभी उल्टा सीधा भी कहते हो। तो क्या तुम्हारा बाबा कभी तुम पर नाराज़ हुआ? नहीं ना, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होता। और मैं तुमसे नाराज़ होकर जाऊँगा भी कहाँ, बताओ ना, कहाँ जाऊँगा? रहूँगा तो अपने बच्चों के पास ही ना। और अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ, मेरी कोई बच्ची ऐसी है जिसे मिठाइयाँ बनाने का, कुछ मीठा बनाने का ना घर पे शौक बहुत है, उसे खाना बनाने का बहुत शौक है। और उसने इस बार मन में सोचा था कि इस गुरुवार को, जब भी गुरुवार आएगा, इस गुरुवार को बाबा के लिए कुछ मीठा बनाकर मंदिर लेके जाऊंगी, है ना? मुझे पता है तुम्हारे मन की बातें पढ़ लेता हूँ मैं। तुम्हारा मन था ना कि इस बार अपने हाथों से तुम्हें कुछ मीठा बनाना है अपने बाबा के लिए, तो ठीक है, इंतज़ार करूँगा तुम्हारा आज मंदिर में, आना ज़रूर। जो भी तुम बनाने वाली हो ना, वो भी मुझे पता है, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, आना ज़रूर मेरे बच्ची। और सुनो मेरे बच्चे, दूसरों की ज़िंदगियों को देख के ना अपनी ज़िंदगी की तुलना मत किया करो, मत हुआ करो परेशान। दूसरों को देखकर दुखी हो जाते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है, उनकी ज़िंदगी कैसी है। तो सुनो ना, सबके कर्म अलग हैं, सबकी किस्मत अलग है, सबके भाग्य अलग हैं। मैं सबके कर्मों को एक जैसा नहीं कर सकता,
सबने अपने अपने कर्म किए और उनके कर्मों के हिसाब से ही उन्हें चीज़ें मिल रही हैं मेरे बच्चे, चाहे वो सज़ा हो या फल हो मेरे बच्चे। मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं, सभी बच्चे जैसे तुम्हारे बाबा की दोनों आँखें हैं ना, एक जैसी बराबर और उसी तरीके से मेरे बच्चे हैं। जब मैं अपनी आँखों में भेदभाव नहीं कर सकता तो मैं अपने बच्चों में कहाँ से भेदभाव करूँगा, बताओ। ये काम तो इंसानों के हैं ना, मनुष्य के हैं कि वो भेदभाव करते हैं। मैं किसके साथ भेदभाव करूँ, मैं ही तो ब्रह्मांड नायक हूँ, मैं ही तो दुनिया का रचयिता हूँ मेरे बच्चे, इस दुनिया को रचने वाला ही मैं हूँ। तो जब सभी मेरी दुनिया है, सभी मेरे बच्चे हैं, तो मैं किस में और किससे तुलना करूँगा, मैं कर ही नहीं सकता, मैं भेदभाव कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और सुनो, तुम्हें जो फैसला लेना है ले लो ना, तुम दूसरों के भरोसे आकर दूसरों पर निर्भर रहकर क्यों फैसला ले रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे या दूसरे तुम्हारे लिए कुछ कर लेंगे? सुनो मेरी बात, कोई कुछ नहीं करता, जो करना होता है खुद पर निर्भर रहकर करना होता है। दूसरों से सलाह लेने जाओगे तो दूसरे तुम्हें हमेशा कुएं की तरफ ही ढकेलेंगे, वो तुम्हें सही सलाह कभी देंगे नहीं। जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारा दिल कहता है ना, वो करो, समझ गए? और सुनो, तुम्हें चिंता है ना कि तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ जो है ना, वो तुमसे कहीं दूर ना हो जाए, कहीं सामने वाला छीन ना ले, कहीं सामने वाला बहुत बड़ा ताकतवर ना बन जाए। लेकिन सुनो मेरी बात को, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो कितना कुछ भी क्यों ना हो ना, वो तुमसे तुम्हारी चीज़ नहीं छीन सकता। और वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं जो तुम्हारे लिए ज़िंदगी हो, उसे छीनने नहीं दूंगा मैं, कभी नहीं छीनने दूंगा। विश्वास रखना अपने बाबा के ऊपर, विश्वास रखते हो ना तो विश्वास रखना, बस तुम्हारा खुद पर से विश्वास टूट रहा है, उसे टूटने मत दो। अपने विश्वास को अपने ऊपर इतना पक्का कर लो, इतना पक्का कर लो कि तुम जो चाहोगे तुम वो कर पाओगे। तुम जानते हो तुम्हारे अंदर दिक्कत क्या है, क्योंकि तुम अपने आप को ना कमज़ोर महसूस खुद से कर रहे हो। जिस दिन तुमने ये सोच लिया ना कि तुम्हें ये करना ही करना है, तो तुम्हें इस दुनिया में ना कोई भी ताकत, कोई भी, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। इस दुनिया की शक्तियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी, ब्रह्मांड नायक तुम्हारे साथ रहेगा, तुम करो तो सही। जिस दिन से तुमने ठान लिया ना कि तुम्हें करना है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। विश्वास करो मेरा, अपने बाबा के ऊपर विश्वास करो। और सुनो, साई सा चरित्र करना मत छोड़ना, आज का पारायण बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करना, क्योंकि आज कुछ संकेत हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो साई सा चरित्र को किसी और को पढ़ने को देते हैं, उन्हें अध्याय पूरा करने को देते हैं, तो मत देना, खुद से करना। और तुम खुद से क्यों नहीं करते? जब सेवा मैंने तुम्हें दी है तो किसी और को तुम वो सेवा क्यों देते हो? तुम जानते हो उसका फल उस इंसान को प्राप्त होता है फिर, और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तो फिर सोचो ना। और सुनो, तुम ना मेरा एक बहुत छोटा सा स्वरूप लेकर आओ, बहुत छोटा सा, जो हमेशा तुम्हारे पास रहे, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तुम कहते हो ना कि बाबा मैं अगर घर छोड़कर यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, अगर शहर से बाहर जाऊँ, तो बाबा आप साथ नहीं होते। तो सुनो, एक काम करो, एक छोटा सा स्वरूप ना अपने पर्स में रख लो मुझे, जैसे तुम कहीं भी जाओ ना, तो ये समझना कि तुमने अपने बाबा का हाथ पकड़ रखा है और तुम मेरे साथ साथ चल रहे हो, समझ गए? तुम एक छोटा सा स्वरूप लेकर आओ और उसे अपने पर्स में रखना, हमेशा अपने पास रखना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूँगा, साक्षात रूप में तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हें कहीं डगमगाने नहीं दूँगा। और जो तुम्हारे शत्रु हैं ना, वो जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो परास्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ रहूँगा तुम्हारे साथ। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारा कोई बाल भी बाका कर पाए, ध्यान रखना। और सुनो, अपना अधिकतम समय ना अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगाओ, ना कि इधर से उधर लगाओ। तुम्हारा जो अधिकतम समय है ना, वो ये सोचने में लगा देता है कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। वो सब करने का वक्त नहीं है मेरे बच्चे, ये वक्त है अपने आप को निखारने का, अपने आप को कुछ बनाने का। जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे ना, जिस दिन कुछ करके दिखा दोगे, तो ये सारी बातें मायने नहीं रखती हैं। और ये तुम्हें उस दिन समझ में आएगा जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे, जिस दिन शक्तियाँ तुम्हारे हाथ में होंगी, उस दिन तुम अपने आप को ताकतवर महसूस करोगे। मेरी बात ध्यान रखना, लिख लेना मेरी बात, क्योंकि यही सच्चाई है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।